स्टार्ट होने वाला है। यस सर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे आपका धारा 87, 88 और 89। ठीक है, ये आपको इसके 87, 88 और 89 के संबंध में आपको पहले ये चीज जानना है, ये तीनों धाराएं जो आपकी संबंधित है वो किससे है, सम्मति से बचाओ। ठीक है, अब सम्मति से बचाव क्या होता है कि आप जब किसी कार्य को करने के लिए अपनी सहमति दे देते हैं, ठीक है, और उसके बाद उस कार्य को कार्य किया जाता है और उससे आपकी चाहे आप हानि भी हो, ठीक है, एक लिमिट तक, एक सीमा तक, है ना। अब वो सीमा क्या है उसको बताता हूँ, एक सीमा तक आप उससे आप हानिकारित होगी इस बात की आपने सहमति दे दी, ठीक है, तो वो बात क्या होगी, जो करने वाला व्यक्ति होगा उसके लिए कोई अपराध नहीं होगा। जैसे आप किसी गेम में, किसी खेल में आप खेलने के लिए उतरते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि उस साधारण जो खेल की उसकी गतिविधियां हैं उसमें आपको किसी भी प्रकार की चोट कारित हो सकती है, जब तक कि कोई सामने वाला जो है उसको जानबूझकर ना करे। ठीक है, आप सामान्यतः किसी दौड़ में भाग लियो, आप खुद ही दौड़ते दौड़ते गिर गए तो आपको पता है ना कि आप इससे दौड़ में आपको चोट लगी, लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति बीच में आपको डंडा ऐसे वो पैर लगा दे और उससे आपको चोट कारित हो, तब वो क्या है, अन्य व्यक्ति इसके लिए क्या होगा, दोषी होगा। ठीक है, तो जो आपका 87, 88, 89 है ये आपका सम्मति से बचाव के संबंध में उपधारणा करता है कि कहाँ, जहां पे आपने अगर सम्मति दी है तो उसके बाद के जो कार्य होंगे उसके लिए आप उसको अपराध की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, और कोई कार्य आपने सहमति दे दी है, ठीक है, जैसे एक डॉक्टर है, ठीक, तो किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का दुर्घटना हुई, उस व्यक्ति को हॉस्पिटल लाया गया, ठीक है, और उसका हाथ में एक चोट आई हुई है, उसके हथेलिए पे चोट आई है, तो डॉक्टर बोलता है सामने वाले को कि हमको इनका हाथ काटना पड़ेगा, तो सामने वाला सहमति दे देता है कि इसकी जान बचाने के लिए अगर वो हाथ को काटना पड़े तो आप इसको काट दीजिए, है ना, कि उससे उसकी जान बच सके। तो ऐसा कार्य जो होगा तो उसके लिए आप बाद में ये नहीं बोलेंगे कि डॉक्टर ने उसका हाथ काट दिया, आप हानिकारित किए। तो यहाँ पे क्या है कि आपके द्वारा जो दिया गया वो क्या है, सम्मति है। ठीक है, तो सहमति का इसको बोला जाता है बचाव। तो अब हम देखते हैं 87 की ओर, समझ आया यहाँ तक की चीजें। अब 87 पढ़ो कोई। जैसे कार्य आवाज नहीं आ रही, धारा 87। छोड़ो मैं पढ़ूं। 87 कहता है, सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर पति कारित करने का आशय ना हो और ना ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। ठीक है, तो आप इसमें याद रखिए, सम्मति को समझ गए कि क्या चीजें हैं, तो इसमें क्या कह रहा है कि सम्मति से किया गया कार्य, ठीक है, यदि किसी की सहमति ले ली गई है और उस सहमति के द्वारा क्या उस कार्य को किया जा रहा है या कोई कृत्य किया जा रहा है, और उस कृत्य में क्या चीज शामिल नहीं है जिससे उसकी मृत्यु या घोर उपाधि कारित होने का आशय ना हो, अर्थात कि उस कार्य से ना तो उसकी मृत्यु होनी चाहिए ना उसको घोर उपाधि होनी चाहिए और ना ही उसको इस बात का आशय हो और ना ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। ठीक है, मतलब उसको ये बात बतानी चाहिए कि उसने सहमति दे दी लेकिन उसको इस बात की संभावना नहीं होनी चाहिए उस सहमति के बाद भी कि इस कार्य के द्वारा उसकी मृत्यु या घोर उपाधि हो सकती है और उसकी संभावना का उसको ज्ञान हो। अब आगे देखते हैं कि कोई बात जो मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने के आशय से ना की गई हो, ठीक है, कि कोई बात के लिए बात कह रहा है कि जो मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने के आशय से ना की गई हो और जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात ना हो कि उससे मृत्यु या घोर उपाधि कारित होना संभव है, किसी ऐसी अपहानि के कारण अपराध नहीं है जो इस बात से 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को जिसने वह अपहानि सहन करने की चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित होना कर्ता द्वारा आशायित हो, अथवा जिसके बारे में कर्ता को ज्ञात हो कि वह उपयुक्त जैसे किसी व्यक्ति को जिससे उस अपहानि की जोखिम उठाने की सम्मति दे दी है, इस बात द्वारा कारित होना संभव है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि सम्मति की पहली बात तो आपको ये समझना है कि सम्मति क्या होती है, तो सम्मति को देखो कहीं परिभाषित किया नहीं है, लेकिन जब हम लोग आगे की धारा 90 पढ़ेंगे तो उसमें सम्मति से संबंधित बातों को बताया गया है, तो उसको बताया गया कि उस स्वतंत्र परिस्थितियों को बताया गया है जिसमें
जो बलपूर्वक धमकी देकर या कपट के द्वारा प्राप्त ना की गई हो, ठीक है। सम्मति उसको कहेंगे जिसमें किसी प्रकार का बल ना हो, किसी प्रकार की धमकी ना हो, किसी प्रकार का कपट ना हो, और उसके अवय उसके द्वारा किया गया कोई कार्य क्या होगा, सहमति कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो हो गई आपकी सहमति। अब उस सहमति को कौन दे सकता है बोला गया है, तो कोई भी जो सहमति की बात जब हम करेंगे तो वो केवल और केवल दे सकता है जो 18 वर्ष से आयु का व्यक्ति हो वह, ठीक है। दूसरी अब आगे देखते हैं कि जो आपका क्या है सहमति, समझ गए सहमति क्या है, जिसमें आपका बलपूर्वक धमकी या कपट शामिल ना हो। दूसरा कि सहमति देने की आयु क्या होगी आपकी, 18 वर्ष होगी। फिर तीसरा क्या है कि सहमति कैसी हो सकती है, अभिव्यक्त भी हो सकती है और विवक्षित भी हो सकती है। अभिव्यक्त मतलब कह के अभिव्यक्त भी की जा सकती है और वो इम्प्लाइड भी हो सकती है, मतलब वो पीछे मतलब आपको समझने की बात है कि पीछे की बात है कि हाँ ये चीज सहमति में शामिल है, ठीक है। अब ये चीजें हो गई आपकी सहमति। अब उस सहमति में क्या है कि वह किसी प्रकार की आप हानि का जोखिम उठाने की अपनी सहमति दे रहा है, ठीक है ना। अब वह जो सहमति दे रहा है उसमें क्या है, किसी प्रकार की हानि का जोखिम उठाने की बात है, कि उसकी सहमति के बाद क्या है कि वो भी कार्य की बात चल रही है, तो उसमें क्या है उसको किसी प्रकार की अपहानि या हानि हो सकती है। लेकिन वह हानि कहाँ तक होगी, जहां तक उसकी मृत्यु या घोर उपाधिकारित होने की ना संभावना हो और ना उसको इस बात का ज्ञान हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना, जिसके बारे में कर्ता को यह ज्ञात ना हो कि उससे मृत्यु या घोर उपाधिकारित होना संभव है। तो सम्मति समझ आया कि सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपाधिकारित करने का आशय ना हो, ना ही उसकी संभवता का ज्ञान हो, तो वो क्या है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। समझ आई ये चीजें। जी सर, यस सर, दृष्टांत देखते हैं। क और य आमोदार्थ आपस में पट्टेबाजी करने को सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी अफहानी के जो कि ऐसे पट्टेबाजी के खेल के नियम के विरुद्ध ना होते हुए कारित हो उठाने की हर एक की सहमति विवक्षित है। और यदि यथा नियम पट्टेबाजी करते हुए यह को पति कारित देता है तो क कोई अपराध नहीं करता है। पट्टेबाजी मतलब एक प्रकार का जो आप वो जुआ के टाइप की चीजें हैं, कि उसमें क्या होता है कि एक को हानि होनी कंफर्म है, एक को क्या है नुकसान होना कंफर्म है, दोनों को फायदा हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर एक को हानि हो या दूसरे को लाभ हुआ तो जिसको हानि हुई वो इस बात के लिए क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे को इस चीज के लिए हानि हुई है, ठीक है। वो किसी भी बाजी वो किसी भी प्रकार का वो पट्टेबाजी हो सकता है, ठीक है। तो क और या क्या आमोदार्थ, आमोदार्थ मतलब इंजॉयमेंट के लिए या फन के लिए, ये ठीक है, इस चीज को कर रहे पट्टेबाजी में सहमत होते हैं। अब वो किसी भी बात की सहमति में, इस सहमति में किसी अफहानी को जो ऐसे पट्टेबाजी के खेल के नियम के विरुद्ध ना होते हुए कारित हो, ठीक है, जो उस गेम जो गेम है उसके विरुद्ध ना हो, ठीक है, जो भी उसका नियम हो उसके अनुकूल हो, ठीक है। अब उसमें दोनों हानि उठाने की एक दूसरे को क्या सम्मति विवक्षित करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को सम्मति दे देते हैं। और यदि इस गेम के द्वारा क्या होता है कि यह को उपहति होती है, ठीक है, यह को उपहति कारित कर दी देता है तो क कोई अपराध कारित नहीं करता है। समझ आया यस सर, समझ आ जी, गया। ठीक है। तो अब इसके लिए एक चीज नोट कर लेना कि क्या क्या चीजें आपकी रहेगी। कि पहला तो देखिए इसमें सहमति में क्या क्या चीज शामिल रहेगा आपका, कि पहले तो जो कृत्य है उसमें आपका गंभीर चोट और मृत्यु का करने की आशा से ना किया गया हो। दूसरा उसमें उसका ज्ञान का अभाव होना चाहिए जिससे उसको गंभीर चोट या मृत्यु कारित होने की संभावना है, ठीक है। पहले तो आशय भी नहीं होना चाहिए और दूसरा उसको ज्ञान भी नहीं होना चाहिए। तीसरा है कि उस व्यक्ति को क्षति हुई जिससे उसकी सहमति दी थी, ठीक है, मतलब ये है कि क्षति होनी चाहिए। चौथा है कि सहमति देने वाले व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 18 वर्ष से अगर कम का है और वह अगर सहमति भी देता है तो क्या होगा, वो अपराध की श्रेणी में ही आ जाएगा, ठीक है। फिर जो सहमति है वो आपका विवक्षित या आपका अभिव्यक्त रूप दोनों रूप से हो सकता है, ठीक है। जो सहमति क्या है आप आमने सामने एक दूसरे को कहकर भी दे सकते हैं, विवक्षित रूप से भी दे सकते हैं, कि आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि आप इस गेम में आ गए तो आपको ये सहमति है कि हाँ चोट इसमें लग सकती है। जैसे कबड्डी का गेम चल रहा है उसमें आप जब रेड देने के लिए जाते हो, ठीक है, तो
आपने क्या किया कि छूने के चक्कर में किसी का हाथ पड़ गया आपको, उस वजह से क्या आपको चोट हो गई। ठीक है, वो चोट अगर आपको खेल की परिस्थितियों के दौरान हुआ, गतिविधियों के दौरान, जो जानबूझकर ना हो, ठीक है, तो आपको क्या है, उस व्यक्ति जिसने इसके थ्रू लगा है उसको ये बचाव मिल जाएगा। लेकिन सामने आप जैसे रेड देने का, सामने वाले ने जानबूझकर आपको घूसा मार दिया जिससे आपको घोर क्षति हुई, ठीक है, या आपको मृत्यु की आशंका हो गई, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो क्या लायबल होगा। लेकिन वो गतिविधियां जो सामान्य अवसर में होती है, ठीक है, जो चोटकारी हो गई, ठीक है, तो उसके लिए आपकी सहमति थी कि आपने उस गेम में जब भाग लिया तो आपकी ये सहमति थी कि उसमें होने वाली दुर्घटना के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे और इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति पर क्या है, दोषारोपण नहीं किया जा सकता। समझ आ गया? विवक्षित मतलब क्या होता है जी? इम्प्लाइड बोलते हैं, मतलब देखिए, जो अभिव्यक्त होता है कि आपने सामने से कहा कि हाँ कि आप क्या है कि हम, मेरी सहमति है। और दूसरा क्या होता है, जैसे आप गेम में आ गए तो आपको वहां पे सहमति देने के लिए स्पेशल वो नहीं, आपको पता है गेम है तो उसमें सहमति आपकी, अगर आप एंटर कर गए तो आपकी सहमति उसमें शामिल हो जाती है। समझे यस सर। इस चीज को, कि कई सारी चीज होती है ना कि आप सहमति सामने से देंगे तो विवक्ष वो क्या अभिव्यक्त हो गई, ठीक है, और जब आप सहमति की चीज को करने के लिए आ गए तो आप सहमति के लिए कोई पूछेगा नहीं कि आपकी सहमति है या नहीं, ठीक है, वो चीजों के साथ ही संलग्न हो जाती है। चलो 88 पढ़ो अब। किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिसे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से न की गई हो, किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए यह बात सद्भाव पूर्वक की जाए और जिसने उस अपहानि को सहने या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो या कारित करने का कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात है। ठीक है, तो पहले तो आप मेरे को बताओ कि सद्भाव पूर्वक किस धारा में बताया गया। ठीक फर्स्ट सर क्या 52 बोलता है 52 में, क्या बोला गया सद्भाव पूर्वक के लिए? कि जब भी आप सद्भाव पूर्वक बात कहेंगे तो उसमें क्या होनी चाहिए, उचित सावधानी और सम्यक सतर्कता उसमें शामिल होनी चाहिए, तो वो कार्य क्या होगा आपका, सद्भाव पूर्वक होगा। ठीक है, तो 88 को बस समझने से पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि 88 क्या है, कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है। ठीक है, तो एक बात नोट करके रखना कि जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए 88 का बचाव उपलब्ध होता है, कि डॉक्टर जो भी अपना कोई कार्य, जो भी अपने पेशेंट का इलाज करते हैं, मरीज का इलाज करते हैं, तो उसमें अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है, कोई भी ऐसी घटना जिससे उसकी मृत्यु कारित हो जाती है, ठीक है ना, और वो कार्य उसने अगर सद्भाव पूर्वक किया है, तब उनको हमेशा क्या मिलता है, 88 का बचाव उनके लिए हमेशा तैयार रहता है। अब देखते हैं कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मति से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पहला बात बोला है कि किसी व्यक्ति के फायदे के लिए, फायदे मतलब उसका जो भी, उस फायदे में आपका क्या है, आर्थिक लाभ शामिल नहीं होगा, है ना, है ना, तो आपका इसमें क्या आर्थिक लाभ शामिल नहीं होगा और फायदा उसको होना चाहिए। अब उस फायदे के लिए क्या, उसने सम्मति दी है, और उस सम्मति के एवज में जिसको उसने सम्मति दी है, जिसे अन्य व्यक्ति को, ठीक है, उसका कार्य क्या रहेगा, वो सद्भाव पूर्वक रहेगा। सद्भाव पूर्वक अगर शब्द आ गया है, अर्थात उसमें आपका क्या शामिल है, उसमें उचित सावधानी और उचित सतर्कता शामिल है, तभी वो कार्य क्या होगा, सद्भाव पूर्वक होगा। ठीक है, तो सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिसमें मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, तो आगे कहता है कि कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, किसी ऐसी अपहानि के कारण नहीं है, जो उस बात से, सॉरी, जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भाव पूर्वक की जाए और जिससे उस अपहानि को सहने या उस अपहानि की जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सम्मति दे दी हो, कारित हो या कारित करने का
कर्ता का आशय हो या कारित होने की संभाव्यता कर्ता को ज्ञात है। तो समझ आया इसमें आपको? तो देखते हैं चलिए कि इसमें क्या बोला है कि मृत्यु कारित करने का आशय ना हो और उसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा जो है ये सर्जनों के लिए मुख्य रूप से लागू होता है कि उनको 88 का हमेशा बचाओ। ठीक है, उनको 88 का बचाव मिलता है हमेशा कि उनका क्या है, जैसे जब भी कोई मरीज आता है, अब उसकी क्या है, विभिन्न प्रकार के जो मरीज होते हैं उनकी क्या है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है, और उन बीमारियों के एवेज में हमेशा डॉक्टर का क्या होता है, कर्तव्य ये होता है कि उस व्यक्ति की जान बचाना आवश्यक होता है। अब जैसे किसी व्यक्ति का पैर दुर्घटना हुई, उसके कोई दुर्घटना हुई, रोड एक्सीडेंट हुआ जिससे उसके पैर के उंगलियों में चोट आ गई, और उस चोट की वजह से उसका क्या है, पैर में दिक्कत आने वाली है, और उससे क्या उसकी जान जोखिम में पड़ सकती है। तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आपके मैं उनकी सहमति प्राप्त करता है कि क्या मैं इनका अगर पैर की अंगुलियों को काट दूं तो इनकी जान बच सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि उनका मृत्यु करने का आशय नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि उसने जो कार्य उनका पैर काटने की जो बात कह रहा है वो उनकी फायदे के लिए होना चाहिए। ठीक है, और उसमें जो उनका कार्य होगा वो सद्भाव पूर्वक होना चाहिए। अब इसको पढ़ो दृष्टांत को। कोई पढ़ो जिसको आवाज आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही। दृष्टांत कहता है का एक शल्य चिकित्सक यह जानते हुए कि एक विशेष शल्य क्रम से या को जो वेदनापूर्ण व्याधि से ग्रस्त है मृत्युकारित होने की संभाव्यता है, किंतु यह कि मृत्युकारित करने का आशय न रखते हुए सद्भाव पूर्वक यह के फायदे के आशय से या कि सम्मति से यह पर वह शल्य क्रम करता है, कने कोई अपराध नहीं किया है। आवाज आ रही कि नहीं भाई? रिप्लाई यस सर, आ रही है। सर दो ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक शल्य चिकित्सक अर्थात एक सिविल सर्जन है। ठीक है, तो वो क्या है, सर्जन जो है एक विशेष शल्य क्रम, एक ऑपरेशन की बात करता है। ठीक है, एक विशेष किसके लिए, यह को जो एक वेदपूर्ण व्याधि से ग्रस्त है। ठीक है, वेदनापूर्ण मतलब जो बहुत ज्यादा दर्द में पीड़ा में है। ठीक है, और एक किसी प्रकार की व्याधि है अर्थात बीमारी है से वो ग्रस्त है, तो उसको मृत्युकारित होने की संभावना है, और जिस वजह से क्या है, उस दर्द और पीड़ा की वजह से क्या है, उसकी मृत्यु होने की संभावना बनी हुई है, किंतु यह कि मृत्युकारित करने का आशय न रखते हुए। अब डॉक्टर क्या है, वो उसकी मृत्युकारित नहीं करने के आशय से सद्भाव पूर्वक उसकी जान बचाने के लिए यह की सम्मति से उस पर एक क्या करता है, उसका एक ऑपरेशन करता है। ठीक है, अब उस ऑपरेशन से क्या है कि कोई भी चीजें हो, उसका फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो कार्य किया उसके फायदे के लिए किया था, उसमें उसकी संभावना थी कि उससे उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसकी जान बच जाएगी, तो उसने यहाँ पे कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, इसमें आप एक बहुत फेमस केस है, केस का नाम नोट कर लेना, सुकुरु कविराज बनाम सम्राट, ये आपका 1887 का ये मामला है। ठीक है, तो इसको सुनिएगा कि इसमें क्या हुआ था कि देखिए जो सद्भाव पूर्वक बात कही गई है, तो डॉक्टर को हमेशा जब भी देखिए ये 88 का जब भी वो बचाव की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, किसी सर्जन के लिए जब बात करेंगे या किसी भी व्यक्ति के लिए हम जब 88 की बचाव की बात करेंगे, तो उसमें दो बातें कंपलसरी है जो अति आवश्यक है कि पहला है कि जो सद्भाव पूर्वक वो कार्य होना चाहिए, दूसरा वह कार्य ऐसा होना चाहिए कि उससे मृत्यु की आशंका नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो जब सद्भाव पूर्वक बात करेंगे तो उसमें उचित सावधानी और उचित सतर्कता, ठीक है, ये हमेशा उसमें शामिल ही होगा। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो कविराज थे वो एक डॉक्टर थे, उन्होंने एक मरीज को साधारण चाकू से पाइल्स का ऑपरेशन किया, अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मरीज मर गया। ठीक है, जो एक साधारण चाकू लिया और उससे उन्होंने क्या है, व्यक्ति का ऑपरेशन कर दिया, और इस ऑपरेशन से क्या हुआ कि बहुत ज्यादा खून बहा, जो व्यक्ति जिसका ऑपरेशन किया था उसकी मौत हो गई। अब इस डॉक्टर को क्या है कि घोर असावधानी के कारण मृत्युकारित करने के अपराध के लिए दंडित किया गया। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने अपने सम्मति का बचाव दिया कोर्ट में कि भैया इनकी सम्मति थी और मेरा जो कार्य था इस वजह से मेरे को इस अपराध से मुक्ति या छूट प्रदान की जाए।
कोर्ट ने कहा कि जो अभियुक्त द्वारा जो कृत्य सद्भाव पूरक नहीं किया गया था, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो साधारण चाकू का इस्तेमाल किया, ठीक है, उसको वहां पे क्या है, जो सर्जिकल नाइफ होता है, ठीक है, जो सर्जिकल चाकू होता है उसका प्रयोग करना चाहिए था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जो जो उचित सावधानी रखनी चाहिए थी उसको उन्होंने नहीं रखा, उचित सतर्कता उचित सावधानी वहां पे उन्होंने नहीं रखी। तो जो सद्भाव पूर्वक जो उसका डिफिनेशन है उसी को उसने फुलफिल नहीं किया, जिस वजह से क्या हुआ कि उसको बोला गया कि सद्भाव पूर्वक नहीं किया, और उसको क्या किया गया कि उसको अपराधी माना गया और उसको दंडित किया गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, उनको जो दंड है वो मृत्यु दंड के तौर पे या कारावास के तौर पे ना देते हुए केवल और केवल उनको क्या है, जुर्माने का दंड प्रदान कर दिया गया। समझ सो आया? मतलब इसमें मृत्यु पारित करने का आशय नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि उसमें मृत्यु हो जाता है उसका तो वो अपराधी होगा। हाँ, लेकिन उसके साथ देखिए, अब एक और ऐसी है, ठीक है, एक और आप सुनिए कि सूरज बली का एक केस था, ठीक है, डॉक्टर आरपी धांड बनाम भूरेलाल का एक मामला है, ठीक है। इसमें एक जो आई स्पेशलिस्ट होता है वो किसी अन्य एक लेडीज होती है, उसका क्या करता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करता है, ठीक है। मोतियाबिंद जानते हैं ना, आंखों में वो हो जाता है, पर्दा टाइप का बन जाता है, ठीक है। तो उस मोतियाबिंद का ऑपरेशन में क्या है कि जिसके ऑपरेशन करने के बाद क्या होता है कि उस व्यक्ति जो औरत होती है, जो वो ऑपरेशन के पहले थोड़ा बहुत देख पा रही थी, उस ऑपरेशन के बाद क्या पूरी तरह से देखना बंद हो जाता है। अब वो कोर्ट में केस ला डालती है कि मेरा उन्होंने आँख फोड़ दिया और इसकी, ठीक है। तो जो जो डॉक्टर होता है, जो अभियुक्त है, तो वो 88 का बचाव लेता है कि मैंने यहाँ पे संरक्षण की बात कहता है। तो न्यायालय ने अभियुक्त को निर्दोष घोषित करते हुए कहा कि अभियुक्त द्वारा उक्त ऑपरेशन भारतीय पद्धति के अनुसार पूर्ण सावधानी से किया गया होने के कारण उसे धारा 88 के अंतर्गत बचाव देना न्यायोचित कहता, कि जो डॉक्टर है उन्होंने अपना जो कार्य है वो उचित सावधानी से और पूरी क्या बोलते जो पद्धति है भारतीय जो चिकित्सा पद्धति, उस पद्धति को अपनाते हुए उन्होंने उसको परफॉर्म किया होता। और यहाँ पे उन्होंने कोई वो क्या है ढील नहीं देती है, या जो सावधानी उसमें कोई भी मतलब सावधानी पूरी तरह सावधानी बरतता है, ठीक है। अब उस कार्य के द्वारा, उस इलाज के द्वारा अगर उस औरत की क्या बोलते हैं आंखें की रोशनी चली गई, तो इसके लिए वो लायबल नहीं ठहराएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे उसने क्या है बहुत पूरा उसका फायदे के तौर पे किया था, अपना उचित सावधानी रखा था, लेकिन उसके बाद भी अगर घटना घट जाए, ठीक, तो उसके लिए किसी का जोर नहीं होगा, तो इसलिए उनको क्या है 88 का बचाव मिल जाता है। समझ आया? जी सर, ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि जब भी कोई सर्जन, देखिए जब भी आप लोग न्यूज में कई सारे न्यूज पढ़े होंगे कि डॉक्टर के लापरवाही से गई मरीज की जान, डॉक्टर की लापरवाही से गई एक औरत की जान, ठीक है। तो वो क्या है कि जैसे कोई ऑपरेशन किसी व्यक्ति, मान लो एक समझिए कि एक औरत का ऑपरेशन हुआ, ठीक है, और उस ऑपरेशन के बाद क्या उसका पेट का ऑपरेशन किया गया, और उस पेट के ऑपरेशन के बाद क्या है कि कुछ 2 महीने बाद उसके पेट में से कपड़ा निकला, रुमाल निकला या कैंची निकली या किसी भी प्रकार का पिन निकला, ऐसी घटना आपने सुना होगा ना। तो यहाँ पे उस जो जो भी डॉक्टर इस कार्य को करेगा, तो उसने क्या किया कि उचित सावधानी और सम्यक सतर्कता उन्होंने नहीं बरती, है ना। तो इस एवेज में अगर उस औरत के साथ या जो भी मरीज है उसके साथ कोई दुर्घटना घटती है, तो उसके लिए क्या है डॉक्टर पूरी तरह से लायबल होगा। लेकिन अगर कोई डॉक्टर पूरा सतर्कता सम्यकता मतलब सावधानी बरतते हुए, सम्यक सतर्कता बरतते हुए उस कार्य को कर रहा है और उसके बाद भी कोई दुर्घटना घट जाए, तब कोई उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। कि आपने सारी चीजें की है लेकिन उसके बाद भी अगर कोई दुर्घटना घट ही जाएगी तो उस पर किसी का बस नहीं है, तो वहां पे क्या होगा कि 88 के लिए उसको बचाव मिल जाएगा। क्लियर हुआ? जी सर। चलो सर 89 बोलो। लेकिन ठीक, हाँ सर बोलो। एक था सर, जैसे कि मतलब डॉक्टर की लापरवाही से जैसे किसी इंसान की मृत्यु हो जा रही है, ऑपरेशन जैसे गलत किया, तो सर उसको कितने टाइम के लिए सजा मिल सकता है, या फिर सिर्फ जुर्माना ही देना पड़ेगा उसमें भी? अब वो देखो अपराध की परिस्थिति के आधार पे है, ठीक है, तो वो कोर्ट के हिसाब से डिसाइड होता है कि कितना हो सकता है, क्या हो सकता है ना। कई बार होता है कि मृत्यु हो गई है तो उस एवेज में डॉक्टर को जेल भी हो जाती है, उसका जो क्लिनिक है या जहाँ वो जॉब कर रहा है वहां से उसको निकाल दिया जाता है। बहुत सारे सरकमस्टेंसेस हैं जो उसके हिसाब से होते हैं। अब कई बार होता है कि एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से, ठीक
तो कई बार ये चीजें क्या बदलती है, तो उसका कोई जुर्माना और क्या होगा ना, वो कार्य की परिस्थिति के हिसाब से कि उसकी मृत्यु कैसी हुई और क्या हुआ। सर कुछ बोल रहे हैं क्या? दिलीप सर 304 B के तहत, 304 A के तहत उस पर वो लगेगा चार्ज डॉक्टर पे, अगर दुर्घटनापूर्ण मृत्यु, वो उपेक्षा करता है और अपनी उपेक्षा द्वारा अगर मृत्यु कारित करता है तो। ठीक है, तो जो 304 A है वो ये बोलता है कि उपेक्षा द्वारा किसी की मृत्यु कारित करना। अब वो आप गाड़ी चला के उपेक्षा कर रहे हो, ऑपरेशन करा के उपेक्षा कर रहे हो, बिल्डिंग बनाने में उपेक्षा कर रहे हो, बिल्डिंग तोड़ने में उपेक्षा कर रहे हो, किसी में उपेक्षा कर रहे हो, ठीक है। अगर किसी चीज में नेग्लिजेंस है, यानी कि उपेक्षा, चाहे वो डॉक्टर की हो, ठेकेदार की हो, किसी की भी हो, और उससे किसी की मृत्यु कारित होती है, तो वो 304 A के तहत अपराधी होगा। ठीक है, सर उपेक्षा मतलब उसका मतलब वो चाहे ऐसा उसका मन हो ऐसा। उपेक्षा मतलब क्या होता है? उपेक्षा पढ़े हो ना आप लोग? अब आप लोग बोलोगे कि उपेक्षा क्या होता है तो ये तो जायज नहीं है ना, कि आप लोग IPC के 90 सेक्शन में आ गए हो और फिर आप ये पूछ रहे हो कि उपेक्षा क्या होता है। हाँ, सर नेग्लिजेंस वही होता है ना जो उसकी लापरवाही रहती है। क्या होता है लापरवाही? सर जो कार्य है उसको जिस तरीके से करना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया गया, उसी को बोलेंगे लापरवाही। जैसे मेडिकल हाँ नेग्लिजेंस होता है, उसमें हाँ जिस जैसा उसको कार्य करना चाहिए था वैसा नहीं किया। हाँ ठीक है, तो जो एकदम शुद्ध हिंदी में है उसको क्या बोलते हैं? उपेक्षा को लापरवाही। ठीक है, जी सर। सर ये संभाव्यता मतलब क्या होता है? जिसमें संभावना है, सर आज के लिए इतने रहने दो क्या, कल देखते हैं 989। क्या बोल रहा है? 87, सहमति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु घोर उपाधि कारित करने का ना आशय हो और ना ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो। ठीक है, ना तो मृत्यु करने का मेरा आशय था, ना ही मेरा ऐसा कोई ज्ञान था कि उससे मृत्यु हो ही जाएगी उसकी। ठीक, ठीक है थोड़ा सा आप लोग 87 और 88 में अंतर देख लो, 89 हम लोग कल देख लेंगे ना। तो जो आपका 87 और 89 में क्या मुख्य अंतर है इनको देखो कि कब आपको सम्मति का बचाव मिलता है दोनों रूपों में। तो जो आपका 87 है उसके अंतर क्या है, मृत्यु और गंभीर चोट को छोड़कर सहमति से कोई भी हानि पहुंचाए जाने पर क्या है वह क्षम्य होता है ना, कि आप किसी से सहमति ले लिया और उससे आपको उपाधि कारित हो रही है ठीक है, तो वह और उस उपाधि में क्या आपका मृत्यु और गंभीर उपाधि कारित नहीं होनी चाहिए। उपाधि तो होगी ही, आपकी सहमति दे दी है कि उपाधि के लिए तो आपको उपाधि हो सकती है, तो बस क्या है मृत्यु और गंभीर चोट का उसमें नहीं होना चाहिए। जबकि आपका 88 क्या कहता है कि सम्मति का बचाव किसी भी हानि के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल उस कृत्य में मृत्यु कारित करने का आशय नहीं होना चाहिए ठीक है। कि यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उससे मृत्यु कारित का उसका आशय नहीं होना चाहिए, आशय के बगैर भी अगर मृत्यु हो जाए उस व्यक्ति की ठीक है, तो उसको यहाँ पे बचाव मिल सकता है। फिर जो आपका 87 है वहां पे वो क्या कहा है कि सम्मति देने की आयु को बताया 18 वर्ष ठीक, जबकि 88 में क्या है कि आयु के संबंध में कोई बात नहीं कहा गया, कोई सीमा नहीं बताई गई है ठीक है। तो ये जो इसका सिर्फ इसका ये दो मुख्य अंतर आपका, समझ आया? जी सर। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना खत्म करते हैं, बाकी अब कल देखते हैं अपन लोग ना। जी सर।